आप ऐसी कहानियां सुने होंगे कि कोई शख्स किसी दूसरे प्लेस पर जाने के लिए निकला था मगर बीच रास्ते में ही कहीं खो गया। लेकिन आज की जो सच्ची कहानी हम देखने वाले हैं यह बिल्कुल उल्टा है, जहां पर कुछ शख्स अपने ही गलती से समुंदर के बीचों बीच बुरी तरह से फंस जाते हैं, जहां चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं था। क्या यह बीच समुंदर में जीवित रह पाएंगे या फिर नहीं, क्या जा पाएंगे अपने घर पर या समुंदर में ही दम तोड़ देंगे। स्टोरी के हर करेक्टर को हम एक नए नाम से बुलाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1942 में, जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया था। यही वजह था कि अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब अमेरिका जापान से बदला लेना चाहता है, इसलिए यूएस नेवी के बहुत सारे बॉम्बर एयरक्राफ्ट दक्षिणी समुंदर में जापान की जितनी भी पनडुब्बियां थी उन सबको नष्ट करने के लिए निकल पड़ी। उसी में एक एयरक्राफ्ट था जिसमें 3 लोग थे, पायलट हृदय, बम फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जसबीर। सारे पनडुब्बियों को नष्ट करने के बाद वे वापस आ रहे थे। ये आसमान में बहुत ऊंचाई पर थे और अपना रास्ता भूल जाते हैं। धीरे धीरे इनका फ्यूल भी खत्म होने लगा। जसबीर रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिग्नल क्लियर न होने की वजह से आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था सही से। थोड़ी देर बाद जापानीज आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा होने पर वे रेडियो को बंद कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त जापान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। उन्हें पता है कि वे उनकी मदद तो करेंगे नहीं बल्कि जान से मार सकते थे। अब फ्यूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए ना चाहकर भी समुंदर में ही अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हृदय का बेल्ट तो खुल जाता है, लेकिन टोनी और जसबीर का बेल्ट अभी तक नहीं खुला था और वे एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबते चले जा रहे थे पानी में। पर किस्मत उनका साथ देती है, थोड़ी देर बाद खुल जाता है उन दोनों का बेल्ट। दोनों ऊपर आ जाते हैं हृदय के पास। उनके पास एक एयरबोट था जिसके ऊपर तीनों सवार हो जाते हैं। उनके पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए। अगर उन्होंने जबरदस्ती समुंदर का पानी पी लिया तो सूखकर वैसे ही मारे जाएंगे। इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन अब वो समुंदर में डूब चुका है। वे इस विशाल समुंदर में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिस समुंदर का अंत कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन तीनों को यकीन है कि यहाँ यूएस नेवी आएगी उन्हें बचाने के लिए, और कुछ ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद आसमान में एक एयरक्राफ्ट दिखाई पड़ता, मगर एयरक्राफ्ट उनसे काफी दूरी पर था। उनके पास फायर गन भी नहीं था जिसे चलाकर वे अपना लोकेशन बता सके, इसलिए अपना जैकेट निकालकर जोर जोर से हिलाने लगते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं फायदा होता। एयरक्राफ्ट काफी दूर था उनसे, जहाँ से देखना उन्हें पॉसिबल नहीं था, वहाँ तक आवाज भी नहीं पहुँच सकती थी। अब एयरक्राफ्ट वहाँ से चला जाता है। हृदय को पता है कि यह एयरक्राफ्ट हमें ढूंढने के लिए वापस यहाँ नहीं आएगा, यह हमारे पास एक आखिरी मौका था। वे बार बार एक जगह पर नहीं ढूंढने के लिए आएंगे, यानी अब उन्हें यहाँ से खुद निकलना होगा। हृदय जो इनका सीनियर है उसे पता था कि ये सब के सब यहाँ फंस चुके हैं। इनका सफर अब काफी लंबा होने वाला था, इसलिए ये अपना जूता निकाल देते हैं। ये जूते को एयरबोट में रख भी नहीं सकते थे क्योंकि एयरबोट वैसे ही बहुत छोटा है। टोनी और जसबीर अपने जूते को निकालकर फेंक देते हैं समुंदर में, लेकिन हृदय नहीं फेंकता क्योंकि हृदय को लगता है कि अगर उन्हें जमीन मिल गई तो उनमें से एक को चलना होगा, इसलिए वो अपने जूते को बचा लिया। इस तरह उनका पहला दिन समुंदर में बिना खाए पिए गुजर जाता है। प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। एयरबोट पर बहुत ही कम जगह था, तीनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे, इसलिए तीनों एक एक करके रात को सोते थे। रात होने पर उनका सीनियर कहता है कि किसी को भी पानी पीना है तो बताओ। हृदय अपने जूते में यूरिन करता है जिसे टोनी और जसबीर पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पीने लायक पानी मिलना इतना आसान नहीं है। और अब सुबह होती है, सबको पता चल चुका है कि वे समुंदर में फंस चुके हैं। हृदय एक पायलट है, इसके लिए उसे दिशा का अच्छा ज्ञान है कि हम हवाओं की दिशाओं की तरफ बढ़ते रहें तो किनारे तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लगेगा। यह भी पता था कि किनारे तक पहुंचते पहुंचते वे कब का ही मर चुके होंगे। जीवित रहने के लिए वे कुछ मछलियों को भी पकड़ने का इंतजाम करते हैं। उनके पास गन की एक मैगजीन की किताब थी जिसके अंदर एक स्प्रिंग थी। वे स्प्रिंग की मदद से मछली को पकड़ने के लिए कांटे का इंतजाम करते हैं और कांटे को डाल देते हैं पानी में। थोड़ी देर बाद कांटे में कुछ फंसता है, रस्सी को खींचने लगते हैं मगर रस्सी बीच में से ही टूट जाती है। उन्हें पता चल चुका है कि पानी में उनसे भी बड़ा और भूखा कोई और है। भले ही ये समुंदर और पानी के बीच में है, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जसबीर पानी में कूद जाता है। ऐसा टोनी भी करने वाला था मगर हृदय उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता है कि पानी में शार्क है, इसलिए जसबीर वापस एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। अब उन्हें कुछ भी करके पानी में नहीं जाना था क्योंकि उनके जान का खतरा है पानी में। समय बीतने के साथ उन्हें इस बोट में रहते हुए पूरे 5 दिन गुजर चुके थे। 5 दिनों से ये ना ही एक घूंट पानी पिए हैं, ना ही खाने का निवाला खाए हैं। यह सब उन तीनों के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था।
इसलिए वह समुंदर का पानी पीने वाला था, लेकिन हृदय ऐसा करने से मना करता है। यह पानी तुम्हें और भी सूखा कर देगा। इनका यहाँ पर फंसने का एक ही कारण था, उसका सीनियर हृदय। जब वो पश्चिम की तरफ जा रहा था, तब जसबीर कंफर्म करता है कि हम सही जा रहे हैं, तो रेडियो पर जसबीर को बताया गया कि उन्हें पूरब की दिशा में जाना होगा। इसी वजह से ये अपना रास्ता खो दिए और फ्यूल खत्म होने की वजह से उन्हें समुंदर में लैंड करना पड़ा। इसी बीच हृदय अपने जेब से एक पेंसिल निकालते हैं, जिसकी मदद से वे एक चार्ट बनाते हैं, पता करने की कोशिश करते आखिर एग्जैक्टली वे इस वक्त है कहाँ। जब बोट पर चार्ट बनाते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी करके बोट को हवा की तरफ बढ़ने से रोकना होगा। ऐसा करने के लिए उनके पास जो कुछ भी था उसकी मदद से लंगर बनाते हैं, जिसकी मदद से बोट को एक जगह पर रोका जा सकता था। उस लंगर को बाहर तब निकालेंगे जब हवा सही दिशा में चलेगी। ऐसे में वे उस दिशा में जाएंगे जहां पर वे जाना चाहते हैं। और अब ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह से बारिश करवा दो, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो तीनों बहुत ज्यादा निराश और हताश होते हैं। अब रात भी हो चुकी थी जब सभी लोग सो रहे थे, तभी ऊपर वाला साथ देता है उनका और बारिश होना शुरू हो जाता है। और अब कई दिनों बाद उन्होंने पानी की एक घूंट पी है, जिससे उन्हें मिलती है राहत, क्योंकि उनके शरीर पानी के बगैर पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुका था। सुबह होने पर जसबीर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घंटों घंटों तक इंतजार करने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ा जा रहा था। ऐसा होने पर जसबीर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस करता है और अपने जेब से निकालता है एक चाकू। ऐसा करने पर हृदय उसे समझाता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि यही एक चीज है जो इस बोट को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जसबीर उसकी बात नहीं सुनता और मछली के आने का इंतजार करता है। और जैसे ही पानी में मछली दिखाई पड़ता, वार कर देता है उस पर, लेकिन उसे लगता है कि उसने चाकू बोट पर मारा है। अब वे चाकर भी चाकू को बाहर नहीं निकाल सकते थे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो पानी बोट के अंदर घुस जाएगा और हवा बाहर आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उनका बचना नामुमकिन होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि चाकू बोट पर नहीं बल्कि एक सार के बच्चे पर लगा है। इस तरह वे उस सार को ले लेते हैं बोट में और अब सार को मारकर खाते हैं। इस तरह कई दिनों बाद उन्हें ठोस खाने का निवाला मिला था। इस तरह उन्हें खुशी ही नहीं बल्कि बॉडी में एनर्जी भी आती है। और अब हृदय जल्द से जल्द अपने घर वालों से मिलना चाहते हैं। हृदय दोनों से भी पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हुई है? यह इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे को अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानते थे। बताया जाता है कि टोनी की शादी अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है, मगर जसबीर की ना ही शादी हुई है ना ही कोई गर्लफ्रेंड। इस बात पर टोनी जसबीर को बताता है कि तुम यहाँ से जाना तो तुम मेरी बहन को डेट पर ले जाना, वह बहुत ही खूबसूरत है। इसी बीच इनकी नज़र बहुत सारे शार्क पर पड़ती, जो उनके बोट को चारों तरफ से घेरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारा था उसका कुछ खून पानी में गिर गया था, जिसके स्मेल से ये सारे शार्क यहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन वे उसके बोट को नुकसान नहीं पहुँचाते और चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन इन शार्क से बचना इतना आसान नहीं था, ये इन्हें गिराकर मार भी सकते थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ से चले गए और ये बच पाए। अब ये खाना भी खा चुके थे, पानी भी पी चुके थे, लेकिन समय बीतने के साथ ये धीरे धीरे कमजोर होने लगे। एक रात जसबीर जब पानी में हाथ डालकर बैठा हुआ था, तभी एक शार्क हाथ को जकड़ लेता है, लेकिन समय रहते जसबीर हाथ को निकाल बाहर कर लेता, जिसकी वजह से जसबीर के हाथ में ज्यादा जख्मे नहीं आए। सुबह होने पर जसबीर के सामने कुछ दिखाई पड़ता है, जैसे कोई आइलैंड, लेकिन ये सच नहीं था क्योंकि वह उनका भ्रम था। अब उन्हें पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। 15वें दिन टोनी निकालता है अपना गन। जसबीर टोनी का गन लेकर सामने उसी के बोट पर बैठे एक पक्षी पर चला देता है गोली, मगर पक्षी समुंदर में गिर जाता है। हृदय पक्षी को लेने के लिए कूद जाता है समुंदर में। इसी बीच एक शार्क भी उसका पीछा करने लगा। हृदय शार्क का निवाला बनता तब तक वे पहुंच चुके थे अपने बोट के पास और चढ़ जाते हैं बोट पर। शार्क निकल जाता है बोट के नीचे से। 15 दिन में ये दूसरी बार था जब उन्हें कुछ खाने को मिला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, इसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ रहा था। अब पूरे 20 दिन बीत चुके थे। अगली सुबह पता चलता है कि हवा का रुख बिल्कुल शांत हो गया है, लेकिन वे किनारे अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हृदय को खुद पूरी तरह से मालूम नहीं था कि वे किनारे पर पहुंचेंगे या फिर नहीं। ये जानकर दोनों हृदय पर काफी गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें समुंदर में लैंड करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि हमारा एयरक्राफ्ट कहाँ है, हम आउट ऑफ रेंज हो गए हैं, हम अपनी टीम से बात कर पाए, इसका जिम्मेदार तुम ही हो। हृदय भी ये बात मानता है कि जब वे ऊपर हवा में थे तब कुछ सेकंड के लिए उसे नींद आ गई थी, जब उसकी आंख खुली तब तक वे काफी दूर जा चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां पर थे और आखिर में फ्यूल खत्म होने की वजह से समुंदर में लैंड करना पड़ा। अब ये तीनों यहां पर फंस चुके थे। इन सब में गलती हृदय का था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। अब वे उस मैप को दोबारा देखते हैं जिसे हृदय ने बनाया था, जिसे देखकर उनके दिमाग में एक प्लान आता है। उनके पास जो जूते थे उसे काटकर वे चप्पू की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरफ वे जाना चाहते हैं चप्पू की मदद से उस बोट को उसी तरफ ले जाते हैं। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं थी। अब इन्हें समुंदर में पूरे 30 दिन गुजर चुके थे।
30 दिन बाद अब उनके अंदर बोलने की भी ताकत नहीं थी। ये पूरी तरह से भूखे प्यासे हैं। उसी रात बारिश भी होना शुरू हो जाता है, जिससे उन्हें एक बार फिर पानी मिलता है। मगर मुसीबत अभी और बढ़ने वाली थी। सामने एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर में तीनों फंस जाते हैं तूफान में और पलट जाता है उनका बोट। उनकी हालत बुरी होने के कारण भी तीनों उस तूफान से लड़ते हैं और बोट को सीधा करके दोबारा बैठते हैं बोट में। रात को ही धीरे धीरे तूफान थम जाता है। सुबह होने पर तीनों पूरी तरह से थक चुके थे। उनके पास जो कुछ भी था सारा सामान रात को पानी में बह गया। तीनों मान चुके हैं कि वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। बोट पर तीनों जिंदा लाश की तरह बैठे हुए थे। हृदय बार बार अपने आप को कोस रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि इन सबका अंत इस तरह होगा। अब पूरे 34 दिन बाद ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं, बिल्कुल मरे के समान। बात करने की भी हिम्मत नहीं है। इसी बीच टोनी बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक सपना देखा जहां हरा भरा खेत था, लेकिन हृदय हार मान चुका है इसलिए समुन्दर का थोड़ा सा पानी पी लेता है। तभी टोनी को सामने कुछ हरा भरा दिखाई पड़ता, क्योंकि वह एक आइलैंड था, जिसे देख तीनों के खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि 34 दिन समुन्दर में बिताने के बाद आखिर में वे आइलैंड तक पहुँच गए। थोड़ी देर बाद तीनों समुन्दर के किनारे होते हैं। इतने दिनों बाद एक बार फिर जमीन को छूकर उन्हें बड़ी खुशी हुई, जहां पर दो झोपड़ी भी थी। ये 20 फरवरी 1942 को पूका नाम के बीच तक पहुंचे इस मुश्किल घड़ी को पार करके। अंत में रिसर्चर द्वारा पता लगाया गया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये छोटे से बोट के जरिए हजारों मील की दूरी को तय किए थे। इस दूरी का इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां एक मील लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। अंत में नेवी की तरफ से हृदय को अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि उसने उस मुश्किल समय में भी अपने क्रू को अच्छी तरह लीड किया था। उसके बाद हृदय ने कभी भी कोई एयरक्राफ्ट नहीं चलाया। टोनी ठीक होने के बाद नेवी में ही काम किया। 1946 में जसवीर ने टोनी की बहन के साथ शादी कर ली, और अब 1989 में जब टोनी की मृत्यु हुई तो उसके राख को समुन्दर के ऊपर छोड़ दिया गया। और अंत में हम उन तीनों के रियल फोटो को भी देख सकते हैं। इनका रियल नेम, जिसे हम हृदय टोनी और जसवीर बुला रहे थे, वह था हेरल्ड डिक्सन, टोनी फेस्टुला और जीन अल्ड्रिज। इस सच्ची कहानी को लेकर आपके मन में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए सच्ची कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।